दोस्तों नमस्कार, मेरे चैनल पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज का वीडियो ना बहुत ही खास होने वाला है। जो लोग मैन्युफैक्चरिंग करते हैं फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स एफएमसीजी प्रोडक्ट, जो लोग मैन्युफैक्चरिंग करते हैं उसके लिए ये वीडियो बहुत ही खास है, क्योंकि हम सभी चाहते हैं कि कॉस्टिंग को थोड़ा कम किया जाए, ठीक है ना। तो कॉस्टिंग को कम करने के लिए प्रोडक्ट में जो रॉ मेटेरियल लगता है उसमें कमी करने में प्रॉब्लम हो जाता है, ठीक है, प्रोडक्ट खराब हो जाता है। तो एक रास्ता है, बॉटल जो है ना, आप अगर घर में मैन्युफैक्चरिंग कर लेंगे तो क्या होगा, कॉस्टिंग बहुत गिर जाएगा। मैं बॉटल का बात कर रहा हूं, जो एचडीपीई बॉटल होता है और जो पेड बॉटल होता है ना, दो तरह का बॉटल होता है। तो आज जो वीडियो हम बना रहे हैं वो पेड बॉटल, जो फिनाइल में लगता है, डिशवाशिंग जेल में लगता है, ठीक है, बहुत सारा जगह में ये पेट बॉटल यूज होता है। तो पेट बॉटल कैसे मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है, क्या मशीन लगेगा, सेमी ऑटोमेटिक मशीन में कैसे ये बनता है, मशीन का कॉस्ट कितना आता है, कितना जगह लगेगा, क्या कंजम्पशन, करंट कंजम्पशन लगेगा, इन्वेस्टमेंट लगभग कितना हो सकता है, मार्जिन ऑफ प्रॉफिट कितना कमा सकते हैं, रॉ मेटेरियल कहाँ मिलेगा, पूरा जानकारियां इस वीडियो में हम हासिल कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। ये जो देख रहे हैं ये है ऑटोमेटिक, फुल्ली ऑटोमेटिक पेट बॉटल मेकिंग मशीन, 12 किलो वाट का होता है और ये 12 लाख से शुरू है, ठीक है, कम दाम में आता है, 10 लाख में भी आ जाता है। दोस्तों ये मशीन बिठाने के लिए आपको कम से कम 1000 स्क्वायर फुट जगह का ज़रूरत पड़ेगा, ठीक है, कम से कम, उससे ज़्यादा होगा तो अच्छा होगा, क्योंकि रॉ मटेरियल रखना है और बनाया हुआ जो बॉटल है, ये बॉटल जो है रखने के लिए बहुत बड़ा जगह लगता है, ठीक है। देख ही रहे आप, एक साथ चार बॉटल, जैसा डाइस होता है डाइस के अनुसार ये बॉटल बनता है। डाइस कहाँ मिलेगा मैं आपको दिखाऊंगा, उससे पहले मैं आपको दिखाऊंगा, इससे बहुत कम दाम में सेमी ऑटोमेटिक एक मशीन आता है, वो अगर परचेस करेंगे तो भी आप बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। दो मशीन एक साथ आता है, चलिए देखिए, ये जो मशीन देख रहे हैं इसमें जो है, देखिए पहले ये छोटा सा एक माने बॉटल का ऊपर का हिस्सा बन के तैयार होके आ रहा है इस मशीन से। इसके बाद ये जो देखिए देख रहे हैं, ये मशीन में दिया जा रहा है और दो बॉटल एक साथ बन के आ रहा है, देख ही रहे, ठीक है। ये है सेमी ऑटोमेटिक मशीन, ये जो मशीन है ये 3.5 लाख रुपया से शुरू है, इसका भी लिंक मैं दे दूंगा। शुरू में दोस्तों ये मशीन परचेस करके आप आसानी से बिजनेस को स्टार्ट कर पाएंगे, ठीक है, बाद में जब प्रोडक्शन ज़्यादा करने का ज़रूरत होगा तो ऑटोमेटिक परचेस कर सकते हैं। दोस्तों ये प्लास्टिक मशीन में डाइस का एक बहुत बड़ा पार्ट होता है, ठीक है, जितना अच्छा आप डाइस बनाएंगे, मतलब ये हल्का जो होता है ना, जो पेट बॉटल हल्का होता है, थोड़ा भारी होता है, ये सब सारा जो है ना ये डाइस के काम होता है, ठीक है। और डाइस देखिएगा बहुत तरह का होता है, ये डाइस शुरू है देखिए 18,000 पर यूनिट, ठीक है, तो ये तरह तरह का होता है, ये एक ही माने डिज़ाइन का नहीं होता है, तरह तरह का डिज़ाइन आता है। ये एक डिज़ाइन देखिए ये 48,000 का है, ठीक है, और ये देखिए ये सेमी ऑटोमेटिक एलुमिनियम बॉटल मोल्ड डाई, ठीक है, ये भी 14,000 का देखिए, ये सिंगल पीसेस है, और ये देखिए ये भी है 20,000 इसका प्राइस है, 1 लीटर बॉटल मोल्ड, ठीक है, ऐसा मोल्ड होता है। तो मोल्ड ये आप बना भी सकते हैं, ऑर्डर दे सकते हैं, इसका नंबर जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, ठीक है। ये देखिए ये वाटर बॉटल जो होता है ना, पेट बॉटल, ऐसा देखिए ये 21,500 का दाम है, ठीक है। दोस्तों जो मशीन मैंने दिखाया था आपको, देखिए ये सेमी ऑटोमेटिक 2 कैविटी पेट बॉटल मेकिंग मशीन 3.5 50 लैक्स, मतलब 3,50,000
का ये दाम है। ठीक है, दो मेसिन आता है देखिए, एक में मैंने दिखाया आपको छोटा सा बॉटल का ऊपर का हिस्सा बनता है, उसके बाद ये राइट साइड में इस मेसिन में ये बॉटल बन के रेडी हो जाता है, दो बॉटल एक साथ बनता है। ठीक है दोस्तों, रॉ मटेरियल की अगर बात की जाए तो इसमें दो तरह का रॉ मटेरियल मैंने यूज़ होता है, एक तो है वेस्ट जो प्लास्टिक होता है उसका ये रॉ मटेरियल इस्तेमाल होता है, और एक देखिए ये वाइट कलर का जो है ये भी यूज़ होता है, ये मैंने 100 पर किलो में आता है, और ये जो देखिए ये 58 रुपीज़ पर किलो में आता है, और एक आता है एकदम कम दाम वाला, देखिए 47 पर किलोग्राम में ये रॉ मटेरियल आएगा, और ये जो है ये देखिए 80 रुपया में, ये क्वालिटी के अनुसार इसका रेट होता है। देखिए ये पेट फ्लेक्स, मतलब पुराना जो बॉटल है उसको कटिंग करके ये फ्लेक्स बनाया जाता है, इससे भी बॉटल बनता है। ठीक है, तो ये देखिए 54 पर किलोग्राम में ये मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, पेट बॉटल का कॉस्टिंग की बात अगर की जाए तो ये वजन के हिसाब से होता है। सोचिए 500 ml का एक बॉटल अगर 10 ग्राम में बनेगा तो इसका देखिएगा 80 रुपया पर केजी में, अगर आप रॉ मटेरियल परचेस कर पाएंगे तो एक बॉटल का 10 ग्राम, तो 10 बॉटल का आ गया 100 ग्राम, और 100 बॉटल का कितना आया ये 1 किलो, तो 80 पैसा करके पर बॉटल आया, और अगर ये 20 ग्राम का बॉटल हो गया तो ये 160 पैसा करके आ गया। ऐसा 1 रुपया 2 रुपया में कॉस्टिंग आता है। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा देखिएगा 1 लीटर का जो प्राइस आता है और 500 ml का प्राइस थोड़ा अंतर होता है, लेकिन लगभग सेम होता है, ये वजन के हिसाब से होता है। ठीक है, कॉस्टिंग ऐसे ही होता है, 1 रुपया होता है, 2 रुपया होता है, और मार्केट में अगर देखिएगा पेट बॉटल बिकता है जो फिनाइल का बॉटल है, कम से कम 3 रुपया 3 रुपया 25 पैसा में बिकता है, और जो आप देखिएगा ये डिशवाशिंग जेल जो होता है ना, उसका बॉटल जो है देखने में थोड़ा अच्छा होता है, तो इसके लिए इसका प्राइस भी बहुत ज़्यादा होता है, 4 रुपया 4.5 रुपया में बनता है, और मैंने बनता नहीं है, 4 साढ़े 4 रुपया में ये बिकता है, इसमें मार्जिन ऑफ प्रॉफिट अच्छा मिलता है। दोस्तों इसमें लाइसेंस की अगर बात की जाए तो ट्रेड लाइसेंस MSME आप कर सकते हैं, पॉल्यूशन करना पड़ेगा, मोटर लाइसेंस लेना पड़ेगा, और ये प्रोफेशनल टैक्स भर के ये बिजनेस आप शुरू कर सकते हैं। दोस्तों आप अगर कोई मैन्युफैक्चरर है, मतलब FMCG प्रोडक्ट आप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, तो उसका कॉस्टिंग कम करने के लिए ये मशीन आप अगर परचेस कर लीजिएगा तो आपको कॉस्टिंग बहुत कम हो जाएगा। देखिएगा 1 रुपया में बॉटल मैन्युफैक्चरिंग हो जाएगा, 1 रुपया 25 पैसा में हो जाएगा, या 1.5 रुपया में तक हो जाएगा। ठीक है, तो आपका कॉस्टिंग जो है बहुत गिर जाएगा। दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे, जय हिंद, बाय बाय।